सरों का। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, आरिफ पर मुकदमा दर्ज होने पर भड़के अखिलेश। खेल स्पर्धा का किया गया शुभारंभ, विजेता को मेडल देकर किया सम्मानित। पीएम आवास के लिए दर दर भटक रही वृद्ध महिला, महिला ने की ब्लॉक में आवास की मांग। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, जय श्री राम के लगाए नारे। फांसी के फंदे से लटकता मिला महिला का शव, ससुराल पक्ष पर लगे हत्या के आरोप। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आगे क्या कुछ कहा है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, चलिए आपको सुनाते हैं। अब ये बताइए, सड़क के डामर देखो, डामर पड़ते ही है, सड़क की ऐसी खूबी, कई जगह उदाहरण आप दे सकते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार कर रहा है और टैंक सिटी उड़ गई, उससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर आयुक्त गोरखपुर रवि कुमार ने कुशीनगर में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पार्किंग स्थल के अलावा सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समय से तैयारी करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां चार बाग रविंद्रालय में आप पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ का प्रादेशिक सम्मेलन रखा गया, वहीं बड़ी संख्या में आपके व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त करने पर भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी के साथ है, आज बीजेपी लगातार इस तरह से विपक्षी पार्टियों के साथ साजिश कर रही है। अगर राहुल की सदस्यता खत्म हो सकती है तो फिर मैं समझता हूं कि पीएम की सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कई बार गलत टिप्पणी भी की गई है। स्केच की कमेटी बनाती है तो जेपीसी आप क्यों नहीं बना रहे हो? आपके मन में क्या डर है? इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और दूसरी तरफ क्या करते हैं भाजपा के लोग? जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए वो भाजपा के वाशिंग पाउडर से पूरी तरीके से साफ हो जाता है। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाया, बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। मुकुल राय पे शारदा स्कैम, बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम, बीजेपी में शामिल हो गए, जांच बंद। आज की कमेटी बनाती है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पति पत्नी के बीच हुए मामूली से विवाद के बाद पत्नी का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला, जिसे देखते हुए मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मारा गया है। अच्छा जी, कई झगड़ा पहली बार हुआ इसके पहले? नहीं, पहले हो रहा था, फिर भी रात में हुआ था। हम तो आजमगढ़ रहे थे साहब। हाँ, क्या लग रहा है आपको? हमको ये लग रहा है ये मारा गई है। हाँ अच्छा। कहीं चोट के निशान है सर? गर्दन पे है साहब।
खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर की ग्राम पंचायत कटियारा मंजरे चांदा माओ कुट्टी निवासिनी वृद्ध महिला ने ब्लॉक में आकर आवास दिलाए जाने की मांग की है। इस संबंध में जब पत्रकार द्वारा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजमल वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इनका घर गिर गया है, आगे जब आवास सूची में नाम बढ़ाए जाएंगे तो इनका भी नाम सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस वृद्ध महिला को आवास दिलाने में अधिकारी कितनी तत्परता दिखाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नहीं, हमारा तो पहले का बहुत है, पहले का है। अच्छा, ये जो दादी आपका क्या नाम है? सुगिया। सुगिया, ये बताइए आपको आवास मिला? नहीं मिला है। तो यहाँ क्या करने आई हैं ब्लॉक में? यही खाते साहब कि हमको कुछ मिली जुली की नहीं। अच्छा, ग्राम प्रधान कौन है आपके वहाँ के? देवली के। हाँ, देवली। हाँ। क्या नाम है उनका? चलो। एक वृद्ध महिला जो है वो पीएम आवास के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और लगातार वो जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनसे पीएम आवास के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो जिस उम्र में महिला को आराम करना चाहिए उस उम्र में अब वो अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। बुलंदशहर में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ स्याना विधानसभा से सांसद डॉक्टर भोला ने किया। बता दें कि स्याना विधानसभा के तीनों ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र से आई लड़की ने खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और लंबी कूद के आयोजन में जीत हासिल की, जिसके बाद विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। उन खिलाड़ियों के लिए, उनको खेलने के लिए मिलने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभी हमने व्यवस्था की है कि पिछली बार जो मैच हुए थे उसमें कबड्डी और कुश्ती हुई थी, वो ज़मीन पर हुई थी, लेकिन जो अभी फाइनल मैच हमारा होगा उस पर मैट पे इनकी, क्योंकि बाहर मैट पे जाके खेलते हैं तो मैट की व्यवस्था इनकी करवाई है, मैट पर खेलोगे। इनको जो भी आवश्यकता है खेलने के लिए, चाहे कोच की हो चाहे उपकरणों की हो, वो सारी व्यवस्था लोकसभा की जिम्मेदारी हमने। एनआईटी फरीदाबाद के प्रसिद्ध सिद्धपीठ वैष्णो देवी मंदिर संस्थान में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे और शाम की आरती में मां दुर्गा के दर्शन किए। वहीं मंदिर के प्रधान सेवक जगदीश भाटिया ने उन्हें मां की चुनरी और नारियल का प्रसाद देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए नवरात्र की शुभकामनाएं दी और कहा कि पूजा पाठ के साथ माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। वह इस मौके पर उन्होंने नवरात्र के भव्य आयोजन पर मंदिर के संस्थान को भी बधाई दी और इस मौके पर सुंदर झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। हैदराबाद का सबसे और जो मनोकामना हमारे मिशन के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे मित्र है, मैं उनका भी कहते धन्यवाद और स्वागत और मेरे पुत्र साथी की माँ का दरबार गौतम माँ का दरबार सुन। खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है, जहां के सरूरपुर में विकास, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, जिनको लेकर स्थानीय लोग भी परेशान दिख रहे हैं और सरूरपुर गांव के पशुओं के इलाज के लिए बनाया गया हॉस्पिटल भी खस्ता हाल बना पड़ा है तो और तालाबों में भी गंदा पानी जमा है जो कि बीमारी को दावत दे रहा है। दो योजना से कुछ भी विकास नहीं हुआ था यहाँ पे, हॉस्पिटल भी सारी बंद है, पोखर भी जैसा है वैसा ही है, कोई सुनवाई नहीं हुई थी, ठीक है ना जी। अब की भी योजना ऐसे ही जाने की संभावना हो रही है, सरपंच अभी तक तो कोई हाथ पैर नहीं हिला रहा है, समझ रहे हो जी। तो क्या कहेंगे सरपंच के कंधे पर, गांव का पूरा भार होता है पर कहीं ना कहीं विकास नजर नहीं आ रहा चारों तरफ ही, अभी पीछे हॉस्पिटल है आपके पीछे, इसमें कभी डॉक्टर नहीं बैठे दो साल से, हाँ जब से डॉक्टर रामचंद्र जी रिटायर होके गए हैं उसके बाद डॉक्टर कभी यहाँ पे अभी तक उपलब्ध नहीं हुए, ठीक है ना जी। तो क्या इसकी कोई शिकायत नहीं दी या लोगों को जरूरत नहीं? शिकायत दी है, फिर मतलब ये है कि एक या दिन आना चालू हो जाते हैं फिर गैर हाजिरी करना चालू कर देते हैं। इसमें
काम 9-10 साल तक कोई काम नहीं हुआ है। पहले रण सिंह सरपंच था, उसने कोई काम नहीं करवाई इस पूरे गांव में। अब ये नए आए हैं, इनने भी अभी तक एक ईंट नहीं लगवाई गांव के अंदर। और गांव में सब तरह की समस्या ही समस्या है, ना कोई हॉस्पिटल है सरकारी, पसून का बना आया उसमें वो उपड़ा थपड़े हैं। अरे हमारी पोखर है, पोखर के पानी भर जाता है, इसमें बच्चे का डूबने का डर रहता है। सरकारी स्कूल बनने की उम्मीद ही, वे भी नहीं बन पा रहा है। गांव की 12वीं तक का तो सड़कें कैसी हैं गांव के अंदर? सड़कें भी सब बेकार ही हैं जी। और सुविधा बता, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या परेशानी आप लोगों के लिए? अब कोई काम हो तो मैं बताऊंगी, बता क्या काम हो। क्या उम्मीद करते हैं आप पूर्व सरपंच से, क्या उम्मीद थी और जो सरपंच बने हैं इनसे क्या उम्मीद रहेगी आपकी? भैया हम तो नहीं कहेंगे काम करूँगा बढ़िया काम में, कोई भी काम जैसे वाकी नजर में कोई भी काम करूँगा। गांव के बाहर एक हॉस्पिटल बना हुआ है, कह रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से वहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया, पशु वहाँ बन रहे हैं, उपले उस हॉस्पिटल में खत रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भैया हमें हॉस्पिटल चाहिए, पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल चाहिए और क्या। गांव की जो झोड़ है उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है, चारों तरफ बरसातों में पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, क्या कहेंगे? हाँ वह पानी खाली करवाया जाओ, नाले में गिरा जाए। इस गांव का नाम है सरूरपुर, जो कि बल्लभगढ़ ब्लॉक के अंदर आता है। पिछले 7 साल में यहाँ पे एक सरपंच थे जिन्होंने, मुझे लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं करवाया इस गांव में। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भर रहा है, और जो झोड़ आपने देखा हो गांव में स्टार्टिंग में शिव मंदिर के पास में है, वहाँ पे पानी ओवरफ्लो करके रोड पे आता था। उसके लिए मैंने कंप्लेंट करी थी CM के पास, तब CM ने यहाँ पे कुछ बजट भेजा था और वो रोड बनवाई है तालाब से ऊपर उठा के। क्या वजह है जो गांव के अंदर विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो पूरा गांव का जो भार है वो सरपंच के कंधे पर होता है, पर कहीं ना कहीं गांव में विकास नहीं है, क्या कहेंगे इसके लिए? हमारा सरपंच ऐसा ढीला था कि काम करना तो दूर लोगों को ये देखता था मैं कहां अपनी दुश्मनी निकालूं। के नालियां ऐसी भरी पड़ी हुई है, नहीं यहाँ मीठा पानी है, कोई कुछ नहीं करवाता यहाँ पे। पिछले 7 साल योजना से पूर्व सरपंच भी रहे हैं, कुछ भी काम नहीं किया इस यहाँ पे, कुछ भी किसी सरपंच ने नहीं किया ना। अब ये किसी, तो क्या वजह है जो आप ये समस्या बनी हुई है, क्या वजह क्या है इसकी? सरपंच की कमी है इसकी, पता नहीं पैसा अभी आता है कहाँ चला जाता है कहाँ नहीं जाता, ये तो हमको भी नहीं पता। कितने समय से ये 6-7 साल हो गए इस समस्या को तो यहाँ पे। ये भैया सरूपुर गाँव है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं, यहाँ पर जीरो है, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सारी गलियों में पानी भरा रहता है, बरसात में तो इतना बुरा हाल होता है कि पैदल भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विकास यहाँ पर पिछले सरपंच ने कुछ किया नहीं है, अभी ये नया सरपंच बना है, अब देखो ये क्या करता है क्या नहीं करता है। पिछले 7 साल से जो सरपंच थे उन्होंने, क्या नाम है उनका और कितना विकास आपके गाँव के अंदर या इसके अंदर किया है? रण सिंह धामू नाम है उनका जी। और कुछ नहीं किया है विकास, अगर विकास किया होता तो कहीं कुछ दिखाई देता आपको। आप भी लेके घूम रहे हो यहाँ पर, देखा होगा चारों तरफ का कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो ठीक ठाक रास्ता हो जो निकल सकता हो इंसान। पुर गांव में और यहाँ में भैया देखे टूटी पड़ी है रास्ता ही, कोई सुविधा ही ना आया गाँव में, पानी भरो परो सब रो। क्या वजह है गांव के सरपंच हैं, क्या उन्होंने काम नहीं कराया, क्या वजह है जो गांव में विकास नहीं? अब सरपंच ही ना करवा रहा काम भैया, कहा करेंगे, सड़क ही टूटी पड़ी हुई करवावे और गांव को कौन करवावे। गांव की अगर बात की जाए सब साफ सफाई की, तो किस तरह की साफ सफाई देखी जाए? हाँ तो इन सड़क वड़क कर दे दे कि टूटे पड़े खड्डे हुए पड़े, रात रात में चलो ना जाए, लाइट ना लग रही है गली में। सरूरपुर है जी, और यहाँ में विकास ना कुछ भी, इतने हम तो दुखी है रहे हम, नाली ना पानी, झोरा झोरा देखो कैसा है रही है, वह गंदगी इतनी है रही है वहाँ में, और जो ये कहा है वह बन रही है ये वह सब टूटी पड़ी है, सड़क टूटी पड़ी है, क्या करें बता, बच्चे इनको इतना डर रहा है, कीड़ा इतने पड़े हैं वहाँ में, नाली इनमें बहुत ज्यादा, 7 साल से विकास ना बिल्कुल भी। तो क्या वजह है जो आपके गाँव में विकास नहीं? अब देखो जी हम क्या कह सके बता, ना तो मेम्बर सुने ना सरपंच सुने, क्या कहते हैं सुनाई ना करे, क्या के कौन है यहाँ के सरपंच साहब? सरपंच साहब जब पहले हुए गुच्चा तो
7 साल रहे हैं वो, 7 साल रहे, उनकी तरफ से क्या क्या काम हुए हैं आपके लिए? यहाँ तो कुछ भी काम ना, जो ये सड़क बनी है ये उखाड़ उखाड़ के यही लगा दी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जनपद में मंडलायुक्त ने जनपद फिरोजाबाद नगर निगम के कुछ जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई, चाक चौबंद व्यवस्थाएं और अन्य कार्यों को लेकर चर्चा की। वही प्रेस वार्ता में पूछने पर बताया कि आगरा जिले के तर्ज पर जनपद फिरोजाबाद में कुछ बिंदुओं को पॉइंट किया गया है, जहां हम शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा सुहाग नगरी साफ और सुंदर दिखाई दे। इसी के तहत शहर का निरीक्षण किया गया है। साथ ही जो व्यापार मंडल है और जो जिन गलियों में काम हो रहा है वहाँ के संबंध में लोगों के साथ बात करते हैं, एक प्रकार से काम को सर, जैसे जिस तरह अभी दिखाया गया इस पर चित्र जो है, तो सर वही स्थिति रहेगी क्या, कुछ और बदलाव होगा? हमने आगरा की फिल्म आपको यहाँ दिखाई, वो इसीलिए दिखाई क्योंकि जो प्रेजेंटेशन था उसमें वास्तविक नहीं होता, डाउट रहता है कि वास्तविक आपने पूछा कि ऐसा होगा, जो आगरा का हमने काम हो गया आपको वही दिखाया, वही मिला जुला के कोशिश करके जैसा दिखा। खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां जिले के लालगंज कस्बे में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। भाई सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 10:30 बजे प्राप्त हुई है और उसमें तत्काल गाड़ी रवाना कर दी गई थी, और जिसके बाद हमारी फायर सर्विस यूनिट द्वारा बड़ी ही सूझबूझ से शटर तोड़ के आग को बुझाया गया, और जो भी उसमें क्षति हुई है, लगभग अनुमानित क्षति उन लोगों के हिसाब से लगभग। सहारनपुर के छुटमलपुर के बजरंग दल में कार्यकर्ताओं ने रामोत्सव को लेकर बाइक रैली निकाली और सड़कों पर उतर कर विहिप कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। बता दें कि विभाग सह संयोजक हरीश कौशिक ने इस रैली का आयोजन किया और इस दौरान मनीष योगाचार्य, योगेश चौहान, अनुज सैनी, प्रतीक दत्त, पावन कौशिक तमाम लोग मौजूद रहे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो इस रैली को बेहद गर्मजोशी के साथ निकालते हुए दिखाई दिए। सुल्तानपुर के जीडी जीवन का स्कूल, जो कि जीडी जीवन के द्वारा चलने वाली एक शाखा है, जिसकी दिल्ली बसंत में भी कुछ ब्रांच है। बता दें कि ये भारत के लगभग कई शहरों में स्थापित है और वर्तमान में जीडी जीवन का चल रही है। जीडी जीवन का स्कूल गायत्री देवी जीवन का बेसिकली उनका नाम है, जो कि ये उनके याद में बनाया गया था। ज्यादा शहरों में वर्तमान में जीडी गोयनका चल रहा है, और जीडी गोयनका स्कूल गायत्री देवी गोयनका बेसिकली उनका नाम है, उनकी मेमोरेबल उनकी याद में बनाया गया था। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि पहले गुरुकुल पद्धति से बदलते हुए भौतिक जो समाज है, नई नई पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए थोड़ा सा समाज में जीवन जीने के लिए कठिनाई हो रही थी कि वो गुरुकुल पद्धति से ऊपर आ रहे, तो जीडी गोयनका ने विचार किया और एक जीडी गोयनका के जो फाउंडर मेंबर थे उन्होंने ये किया, एक प्रयास किया कि उच्च से मतलब अच्छी शिक्षा अच्छे वातावरण में और भौतिकवाद को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। तो जीडी गोयनका ग्रुप सुल्तानपुर में उसकी एक शाखा है, जो विगत अब 2रा साल है इसका हमारा ये, और ये जीडी गोयनका CBSE बोर्ड से 12वीं तक का एफिलिएशन है, और यह ऐसा पहला स्कूल है जिसको 12वीं तक का एफिलिएशन 12 अप टू 12 एफिलिएशन CBSE। सचिवालय ने राहुल गांधी जी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका नहीं दिया, आनन फानन में सदस्यता खत्म की है। इसी उत्तर प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं की सजा होने के बाद, किसी के 3 महीने 4 महीने के बाद सदस्यता खत्म होती है, 24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म कर देना, ये साबित करता है कि विपक्ष से सरकार डर गई है, सरकार विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। निकाय चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के आप जैसे यहाँ देखिए, निकाय चुनाव में आखिर चुनाव क्यों नहीं हुए? चुनाव इसलिए नहीं हुए कि बीजेपी की सरकार पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कम करना चाहती थी, पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहती थी। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये संविधान से नहीं चलती है,
और पिछड़े दलित। प्रयागराज जनपद के हंडिया नगर पंचायत कस्बा के रतन केसरवानी की अगुवाई में वैश्य समाज के धर्मगुरु ने सत्संग किया। सत्संग के दौरान वैश्य समाज के धर्मगुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज के बारे में बताया और कहा कि आज से करीब 700 साल पहले काशी में आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्यों के द्वारा वैश्य गुरु मठ की स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात जब मुगलों द्वारा काशी क्षेत्र में आक्रमण किया गया तो हमारे पूर्वज काशी छोड़कर कर्नाटक चले गए। परंपरा में आए हुए उनके शिष्यों ने लगभग 700 साल पहले महापुण्य क्षेत्र काशी में वैश्य गुरुमठ की स्थापना की थी और गुरु परंपरा को आरंभ की थी। कुछ समय के पश्चात मुगलों का आक्रमण होने से हमारे पूर्व गुरु काशी छोड़ के कर्नाटका को गए थे और वहाँ ही गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया और कुछ समय के लिए वो वैश्य गुरु परंपरा रुक गई थी। अभी फिर से आदि शंकराचार्य जी के दक्षिण भारत के प्रतिनिधि पीठ श्रृंगेरी जगतगुरु श्री श्री भारतीय तीर्थ महास्वामी जी ने हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।